जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से बस ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी विवाह संबंधी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। आपको बता दें केपी की वाणी पिछले 5 वर्षों से सेवारत है और यहाँ पर आपको केवल और केवल विवाह सगाई और शादी से संबंधित जानकारी मिलती है। इसमें आपको यह जानकारी मिलती है ग्रह राशि परिवर्तन से किन राशि के जातकों के विवाह की योग किन महीनों में है, राशि अनुसार से उनकी शादी कब होगी, शादी कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी कैसा रहेगा, उनका रंग रूप कैसा रहेगा, ये तमाम तरह की जानकारी दी जा रही है। अगर आप जन्मदिन से जानकारी पाना चाहते हैं कि आपकी विवाह की योग किस वर्ष तक है और आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो अपना जन्मदिन हमें व्हाट्सएप करें 8521835670 पर। अगर आप प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट करें या फिर हमें मैसेज करें। आपको बता दें कि अब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली भी बनवा सकते हैं और इसमें आपको विवाह से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ए से जेड तक दी जाती है। आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, शादी अंतर जातीय विवाह होगा या फिर अपने ही धर्म अपने ही समुदाय अपनी ही जाति में हो। इसके अलावा महादशा अंतर दशा भाग्य चरित्र अनुकूलता करियर कारोबार स्वास्थ्य आदि की भी जानकारी दी जाती है। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते तो भी संपर्क करें और बच्चे का भविष्य स्वर्णिम कर सकते हैं। यह जानकारी ज्ञात कर कि आपके बच्चे के लिए किस क्षेत्र में सबसे उत्तम कैरियर रहेगा, कब उनका भाग्योदय होगा, कब उनकी किस्मत बदलेगी, कितने वर्षों तक उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, किस क्षेत्र में वो बेहतर करेंगे, इन चीजों से उन्हें परहेज करना है, किन बीमारियों का उन्हें खतरा रहेगा, इसके अलावा उसका चरित्र कैसा रहेगा और उनके होने वाली जो अर्धांगिनी होगी वो किस प्रकार से होगी। तो ये सभी प्रकार की जानकारी अब आप एकमात्र डेस्टिनेशन केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप विवाह से पूर्व कुंडली मिलान भी करा सकते हैं, अपने बच्चे की कुंडली मिलान करा सकते हैं, स्वयं की कुंडली मिलान करा सकते हैं और यह जानकारी क्या कर सकते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं 8521835670 पर। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इंतजार की घड़ी अब समाप्त होगी और गुरु का उदय अब होने वाला है। इसके अलावा 4 भाग्यशाली राशि के जातकों के जुलाई महीने में शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गुरु तो देव गुरु बृहस्पति 1 मई को जो है 12:59 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और वर्तमान समय में देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में विराजमान है। इसके अलावा वर्तमान समय में अस्त भी है लेकिन आने वाले 3 जून को जो है देव गुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे और इसके पश्चात फिर शुभ फल देना प्रारंभ करेंगे। और जब गुरु उदय होंगे तो 4 भाग्यशाली राशि जिनके मई से ही विवाह के योग बन रहे और अगले साल मई तक बनेंगे उसके लिए शुभ योग बनेगा और सर्वप्रथम जुलाई के महीने में 2 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के मध्य इनके सहनाई बजने के योग है। अगर किसी कारणवश जुलाई में विवाह नहीं होता है तो नवंबर और दिसंबर में 100% हो जाएंगे। आइए उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। गुरु के बारे में गुरु क्या करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति वैसे तो लड़कियों के विवाह के कारक होते हैं और देवताओं के ये गुरु हैं। ये मीन और धनु राशि के स्वामी हैं और कर्क इनकी उच्च राशि यानी कर्क को हमेशा ये शुभ फल देते हैं जबकि मकर में ये नीच के माने जाते हैं। गुरु ज्ञान शिक्षक संतान बड़े भाई शिक्षा धार्मिक कार्य पवित्र स्थल धन दान पुण्य और वृद्धि का कारक माना जाता है। 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु विशाखा और पुद्र पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का
स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। जिस व्यक्ति पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसती है उस व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सत्य कर्म करने लगता है, सत्य मार्ग पर चलने लगता है, धर्म कर्म में रुचि रखने लगता है, अध्यात्म की दृष्टि से वह उत्तम कार्य करने लगता है। जन्मकालीन राशि से दूसरे पांचवें नौवें और ग्यारहवें भाव में देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में देवगुरु मजबूत होता है वो जातक अपने जीवन में प्रगति की राह पर अग्रसर रहता है। इस दौरान मोटापा होने की संभावना बढ़ती है, यानी कि आप मोटे हो सकते हैं। गुरु के आशीर्वाद से पेट से संबंधित रोगों से छुटकारा मिलता है। डाइजेशन यानी कि हाजमा जो है आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। अगर कुंडली में कोई भाव में गुरु कमजोर भी है या कोई अन्य ग्रह कमजोर है तो गुरु की दृष्टि पड़ने पर वह भाव मजबूत हो जाता है। अगर किसी लड़की के विवाह में बाधा आ रही है तो गुरुवार के दिन पीले रंग की चीजों का दान कर सकते हैं। बेसन दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं, इसके अलावा जो है पीले रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं, पके केले दान कर सकती हैं। तो अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो गुरु मजबूत होगा। इसके अलावा अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो हर गुरुवार के दिन जो है प्रातःकाल स्नान ध्यान के बाद जो है जल में हल्दी मिलाकर केले के पौधे में जल कारगर दें। और अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं कम से कम 16 या 21 गुरुवार का व्रत आप अवश्य ही करें। इसके अलावा हर सोमवार के दिन जो है जटा वाला नारियल जो है एक या कम से कम पांच, 1-3-5 में कोई भी आप क्रम ले सकते हैं। ये जो है नारियल आप भगवान शिव को चढ़ाना है। ओम श्री वरप्रदाय नमः इस मंत्र का जाप आपने कम से कम 108 बार करना है और उस दिन श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान शिव की पूजा उपासना करना है। अगर आप मनचाहा वर पाती हैं, पाना चाहती हैं, तो आप सोमवार शुक्रवार के दिन कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। आप प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, बिलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि चीजें अर्पित करें। तो ऐसा करने से जो है भगवान शिव, देवों के देव महादेव जो महाकाल है, समय के भी जो है गुरु हैं, उनकी पूजा करते हैं तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होता है। आइए मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूँ। खासकर माता पिता के लिए अनिवार्य है कि आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। अगर आप अपने बच्चे की विवाह करने जा रही हैं या जा रहे हैं, अपने बेटे या बेटी की, तो मंगलवार के दिन का चयन विवाह हेतु बिल्कुल ना करें। शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के दिन विवाह न करने की सलाह दी जाती है। आप सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन का चयन कर सकते हैं। विवाह के जो शुभ तिथियां हैं वो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी है। ये दिन शुभ मानी जाती है। इन दिनों में ही विवाह की जाती है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त और गोधली बेला सबसे शुभ है। शुभ लग्न राशि की बात करें, मिथुन, कन्या और तुला शुभ लग्न राशि है। शुभ तारा की बात करें तो गुरु और शुक्र तारा का उदय रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको इस वीडियो में बताया भी जा रहा है कि गुरु तारा जो है वो 3 तारीख को उदय होगा, उसके पश्चात फिर शुभ योग बनेंगे। सूर्य भ्रमण किन राशियों में करनी चाहिए? तो मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि में जब सूर्य रहते हैं तो उस समय में विवाह करना श्रेष्ठ करता है। वर्तमान समय में वृषभ राशि में जो है गोचर कर रखे हैं सूर्य और आने वाले समय में मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 15 जुलाई तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो उस दौरान फिर अगर विवाह करते हैं तो श्रेष्ठ कर रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करें शुभ नक्षत्र की तो रोहिणी, मृगसरा, मगा, उत्तर फागनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तर साढ़ा, उत्तर भाद्र, रेवती आदि शुभ नक्षत्र हैं। शुभ करण की बात करें तो बाबा, करणी, कौलव, तैतिला, गारो, वनिजा आदि शुभ करण माने जाते हैं। शुभ योग की बात करें तो प्रीति योग, सौभाग्य योग, हर्षण योग, ये 3 प्रकार के योग हैं। इनमें सौभाग्य योग सबसे उत्तम माना जाता है। सौभाग्य योग में अगर विवाह कराया जाता है तो जातक जो है विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय व्यतीत करते हैं। तो इन चीजों का आप अवश्य ध्यान रखें। शनि जो है वैवाहिक जीवन में टूटने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। शनि के रहने पर शादी में जो जान पहचान, मध्यस्थ व्यक्ति या घर परिवार के किसी सदस्य के चलते विवाह में बाधा आती है और शनि के रहने पर 30 वर्ष के बाद ही विवाह के योग बनते हैं। तो अगर शनि की वजह से विवाह में बाधा आ रही है तो शिव जी के नित्य दिन आप पूजा करें और लोहे के बर्तन में सरसों के तेल भरकर जो है दान कर सकते हैं। मंगल जो है, मंगल के रहने पर विवाह में बाधा आती है और मांगलिक जातक को मांगलिक जातक से ही विवाह करने की सलाह दी जाती है। मंगल जब वैवाहिक जीवन में समस्या देता है तो कभी कभी बातचीत मारपीट तक पहुंच जाती है, यानी कि पति पत्नी के बीच नहीं होती है और बात उस हद तक पहुंच जाती है कि वो उनके वियोग के योग बनने लगते हैं। मामला कई बार कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाता है। अगर मंगल की वजह से समस्या आ रही है तो मंगलवार के दिन उपवास रखें और हर मंगलवार को गरीबों के बीच जो है मीठी चीजों का दान। राहु केतु वर्तमान समय में राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि विराजमान है। राहु के रहने पर 27 वर्ष और केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते 30 वर्ष के पश्चात ही विवाह के योग बनते हैं। तो राहु और केतु बेवजह शक पैदा करता है और कभी कभी जीवन साथी
को छोड़कर भी जो है चला जाता है। तो राहु और केतु के रहने पर वियोग के योग भी बनते हैं। अगर राहु केतु के चलते विवाह में बाधा आ रही है तो भगवान विष्णु की उपासना करें। शनिवार के दिन मीठी चीजें बिल्कुल न खाएं। बात करें सूर्य की, तो सूर्य के रहने पर 27 वर्ष के बाद विवाह के योग बनते हैं। और सूर्य जब मजबूत होता है तो कभी कभी अहंकार के भाव के चलते भी संबंध खराब होते हैं। तो अगर सूर्य के चलते विवाह विच्छेद हो रहा है यानी कि वियोग हो रहा है, तो रोजाना सूर्यदेव को जल में कुमकुम या रोली मिलाकर सूर्यदेव को जल का अर्घ दे। एक तांबे का छल्ला आप मध्यमा उंगली में जरूर धारण करें। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना भी बहुत शुभ होता है अगर सूर्य को मजबूत करना चाहे। गुरु अगर नीच में है तो विवाह में बाधा आती है, और विवाह में बाधा को दूर करने के लिए जो गुरुवार का व्रत आप अवश्य करें। अगर गुरु कमजोर है तो केले का दान करें, ये ज्यादा उत्तम होगा। इसके अलावा विद्या का भी दान करना गुरु के लिए मजबूत होता है, क्योंकि विद्या के दान करने से जो है गुरु मजबूत होता है। आप गुरुवार के दिन जो स्टेशनरी की चीजें जरूरतमंद बच्चों को दान करें, और अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सेवा दें। शुक्र जो है, बिना शुक्र के विवाह तो हो नहीं सकता है। शुक्र लड़कों के विवाह के कारक होते हैं, और शुक्र जब मजबूत होता है तो सिख शादी होती है। शुक्र कमजोर रहने पर विवाह संबंध टूट जाता है। तो शुक्र के लिए जो है आप जो भगवान शिव जी की पूजा उपासना करें, सुगंधित चीजों का दान करें, और हीरा बिल्कुल न धारण करें अगर शुक्र कमजोर है तो। शिव जी की उपासना जरूर करें, इससे शुक्र मजबूत होता है। आइए अब उन चार भाग्यशाली राशियों के बारे में बता देता हूं। तो कर्क राशि प्रथम राशि है, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और एकादश भाव को भी गुरु देख रहे हैं कर्क राशि के। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग है 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के जो भी जातक है कर्क राशि के, उनके विवाह के योग है। वर्तमान समय में जुलाई महीने विवाह के योग है, अन्यथा फिर नवंबर दिसंबर में विवाह के योग है। बात करें नाम अक्षर की, तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एल नाम के जातक, एम नाम के जातकों से आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। मेष राशि से अगर विवाह करें तो ज्यादा उत्तम होगा। अगली जो राशि है वो कन्या राशि है। कन्या राशि में गुरु जो है भाग्य भाव में बैठा है, केतु इनके लग्न भाव में बैठा है। केतु के चलते 18 मई 2025 तक तो इनके लिए शुभ योग है। और अगर आप कन्या राशि के जातक है तो जातक के विवाह जो है ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक, जी नाम के जातकों में से किसी एक नाम के जातक से आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। उत्तर दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। हर गुरुवार को केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल डालें, इससे आपके विवाह के योग अवश्य बनेंगे। मकर राशि से विवाह करना उच्च होता है, श्रेष्ठ होता है। अगली जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में जो है गुरु जो है जीवन साथी भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो 3 जून के बाद आपके लिए शुभ योग है। जुलाई महीने में विवाह के योग है, नवंबर दिसंबर में विवाह के योग, और फिर जनवरी से लेकर मई तक आपके विवाह के योग है। गुरु जो है आपके विवाह भाव में बैठे हैं, और शनि के जो है ढैया भी चल रही है, तो इसके चलते वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। तो अगर आपकी आयु 21 वर्ष से 32 वर्ष के मध्य है वृश्चिक राशि के जातक, तो आपके लिए शुभ योग है। जुलाई महीने में आपकी सहनाई बजने के 100% योग बन रहे हैं। आपने करना क्या है, शुक्रवार और सोमवार के दिन जल में सुगंध और इत्र मिलाकर जो है अर्पित करना है, जलाभिषेक करना है, इससे विवाह के योग अवश्य बनेंगे। सिंह राशि से विवाह करना श्रेष्ठ कर होगा। अगली और अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है। तो मीन राशि के जातकों के बारे में मैंने अब बताया है कि राहु का गोचर मीन राशि में हो रखा है, 18 मई 2025 तक राहु में ही रहेंगे, तो इससे जो है मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। वर्तमान समय में मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। शुक्र हमेशा ही शुभ फल देते हैं क्योंकि उच्च के होते हैं। तो वृश्चिक राशि के अलावा जो है मीन राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है जुलाई महीने में। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह तो प्रहल कह सकते हैं, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो। और अगर आपको बता दें महीने की बात करें तो जुलाई का महीना, उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मई का महीना बेहद शुभ है। इस दौरान आपके परिणय सूत्र में बनने के 100% योग हैं। अगर आप लड़की हैं तो रोजाना संध्या काल में जो है तुलसी के पौधे के नीचे शुद्ध घी के दीपक जलाएं और तुलसी आरती करें। इसके अलावा जो है गुरुवार का व्रत रख सकती हैं। वहीं लड़के हैं तो आप भगवान शिव जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। सोमवार शुक्रवार के दिन जल में शहद सुगंध मिलाकर अभिषेक करें। अगर आप कच्चे दूध उपलब्ध हैं तो फिर कच्चे दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते। मेष राशि, धनु राशि के अलावा कन्या राशि के जातक के साथ पन्ने सूत्र में बंधना आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दे, आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर, आपके पूरी परिवार पर अवश्य बरसे, और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दे, आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।